लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले गर्मी ने मतदान कर्मियों पर कहर ढा दिया है। यूपी बिहार के आधा दर्जन जिलों में शनिवार को होने वाली वोटिंग कराने पहुंचे 31 मतदान कर्मियों को गर्मी ने मौत की नींद सुला दी। कई मतदान कर्मी बीमार हैं। यूपी के मिर्जापुर में ही 13 मतदान कर्मियों की मौत हुई, इसमें 7 होमगार्ड हैं। एक ही दिन इतनी बड़ी संख्या में मतदान कर्मियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा वाराणसी और सोनभद्र में 3-3, मऊ और चंदौली में 1-1 कर्मचारी की मौत हो गई है। बिहार में 10 मतदान कर्मियों की मौत हुई है। यहां अधिकतर मौतें भोजपुर में हुई। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव के लिए ड्यूटी पर तैनात 13 चुनाव कर्मियों की शुक्रवार को तेज बुखार और उच्च रक्तचाप की शिकायत के बाद मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। 23 अन्य चुनाव कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल ने बताया कि इन सभी कर्मियों की मौत के सटीक कारण का पता अब तक नहीं चल सका है। हमारे पास देखिए टोटल अभी तक हमारे पास 23 जवान आए हैं, जिनमें से एक पीएसी का है, एक फायर सर्विस का है, एक सिविल पुलिस का है और बाकी 20 हमारे होमगार्ड जवान थे। होमगार्ड जवानों में अभी जस्ट एक मोर्टेलिटी हुई है, इसको मिला के 6 जवान हमारे इस समय मोर्टेलिटी मौत हो गई है। बाकी सभी को निकालिए है, सेटल्ड हैं। 2% अभी हमारे दो जवान वो अभी थोड़ा गंभीर अवस्था में हैं। कारण क्या है? इनका कारण ये है कि हमारे पास जब आए हाई ग्रेड फीवर था और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सबका आ रहा डायबिटीज शुगर बहुत बढ़ी हुई आ रही है, ब्रेन स्ट्रोक के भी चांस हो सकते हैं क्योंकि सडनली जो हिस्ट्री मिली मुझे कि वहीं गिरे हैं, तो हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड ये बीपी, उसकी वजह से इनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है जिसकी वजह से मौत का कारण हो सकता है। ये चुनाव ड्यूटी में आए हैं और डिफरेंट जिले के हैं। 7 चुनाव कर्मियों की मौत पर रिएक्शन व्यक्त करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मिर्जापुर में 7 चुनाव कर्मियों की मौत की खबर बेहद दुखद है। सरकार अपना मौन तोड़े और बद इंतजामी की वजह से उजड़ चुके परिवारों को भावनात्मक राहत देने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, सरकार 5 होमगार्ड, सीएमओ कार्यालय के एक लिपिक और एक सफाई कर्मी के परिवार के लिए तुरंत 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित करे और जो अन्य कर्मी गर्मी के कारण बीमार पड़ गए हैं उन सभी लोगों को बेहतरीन उपचार उपलब्ध कराए। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस सरकार में कर्मचारियों के जीवन का कोई मोल नहीं है। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कर्मचारियों को सही समय से वेतन नहीं मिल पा रहा, ना ही उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है। वाराणसी में शुक्रवार को मतदान केंद्रों पर तैनात 3 लोगों की मौत हो गई। नुआव में मतदान केंद्र के मतदान अधिकारी प्रथम 54 वर्षीय अब्दुल्ला अंसारी का निधन हो गया। लोहता में 52 साल के होमगार्ड वीरपाल सिंह का निधन हो गया, जबकि चौक के ठठेरी बाजार में मतदान केंद्र के कर्मी 55 वर्षीय त्रिलोकी की सांस टूट गई। आशंका है सभी मौत लू लगने से हुई है, हालांकि जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि अब तक नहीं की है। नुआव स्थित प्राथमिक विद्यालय पर बने मतदान केंद्र के बूथ संख्या 345 के मतदान अधिकारी प्रथम अब्दुल्ला अंसारी थे। पोलिंग पार्टी के साथ वो जगतपुर इंटर कॉलेज से चुनाव सामग्री लेकर निकले थे। मतदान केंद्र से करीब 400 मीटर पहले बस में बेहोश हो गए। साथ ही कर्मचारी निजी अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वो बजरडीहा निवासी थे, घर के निकट मदरसा में अध्यापक थे। लंका पुलिस में उनका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। होमगार्ड वीरपाल सिंह की ड्यूटी लोहता बाजार में गौतम बुद्ध बालिका विद्यालय पर थी, अचानक तबीयत खराब हुई और निधन हो गया। वो संभल जिले के भजोई थाने के रफीपुर के निवासी थे। लोहता पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधर ठठेरी बाजार स्थित मतदान केंद्र पर तैनात काशी विद्यापीठ के ज्ञानचंद मंदित बाल विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी त्रिलोकी का भी निधन हो गया।